भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्ट अधिकारियों का संगठित गिरोह सक्रिय था, जो प्रति ट्रक 4,000 रुपये की वसूली करता था और नीचे से ऊपर तक उसका बंटवारा होता था। सीबीआई ने एफआईआर में गोदाम से लेकर खरीदे गए अनाज को रेल से दूसरे राज्यों में रवाना करने तक रिश्वत वसूली और बंटवारे का विस्तृत ब्यौरा दिया है। भारतीय खाद्य निगम में फैले भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए 6 महीने तक चले ऑपरेशन कनक के बाद दर्ज अंडस्को एफआईआर में सीबीआई ने 34 मौजूद अधिकारियों और 3 सेवानिवृत्त अधिकारियों को आरोपित बनाया है। सीबीआई का आरोप है कि अधिकारियों और कर्मचारियों का ये गिरोह हर फसल के सीजन में प्रत्येक डिपो से 2 से 5 करोड़ रुपये वसूलता था। सीबीआई के अनुसार एफसीआई के गोदाम पर पहुंचने वाले हर ट्रक के लिए मिल मालिकों और विक्रेताओं से वहां तैनात तकनीकी सहायक 4,000 रुपये वसूलता था। इसके एवज में घटिया अनाज को मानक के अनुरूप दिखाकर गोदाम में रख दिया जाता था। वसूली गिरोह का सरगना चंडीगढ़ ऑफिस में तैनात एजीएम सुकांता जेना था। सीबीआई के अनुसार सुकांता जेना तकनीकी सहायक निशांत बैरिया के माफित अन्य सभी तकनीकी सहायकों से रिश्वत की वसूली सुनिश्चित करता था। दिल्ली स्थित एफसीआई मुख्यालय में तैनात संदीप सिंह, जिसको सीबीआई ने आरोपित बनाया है, निचले स्तर पर भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों, मिल मालिकों और विक्रेताओं को बचने का काम करता था। एफआईआर में बताया गया कि किस तरह से संदीप सिंह ने कुरली स्थित गोदाम में पकड़े गए कम गुणवत्ता का अनाज सप्लाई करने वाले मिल मालिकों और विक्रेताओं से पिछले साल जुलाई में 10 लाख रुपये की नकद रिश्वत ली थी। यही नहीं, इसके 1 महीने बाद मेहर सिंह नाम के मिल मालिक ने 5 लाख रुपये संदीप सिंह की पत्नी के पंजाब नेशनल बैंक स्थित खाते में ट्रांसफर किए थे। 19 सितंबर को संदीप सिंह को 49,800 रुपये की एप्पल की घड़ी भी दी गई। बदले में संदीप सिंह ने उन्हें एफसीआई से प्रतिबंधित होने से बचा लिया। ऐसी होती थी पैसों की बंदरबाद, 100 रुपये मुनीम को दिए जाते थे, 1,000 क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर को, 1,050 ऊपर के अधिकारियों को, इसे कंट्रोल फुल कहा जाता था। 1600 से 1700 खुद तकनीकी सहायक रखता था, 200 लोकल खर्च के लिए रखे जाते थे। कंट्रोल फुल के रुपए का बंटवारा, 200 रुपये जनरल मैनेजर को, 50-50 रुपये 4 डेप्यूटी जनरल मैनेजर को, 20 लब में तैनात रिसर्च ऑफिसर को, 100 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए, 450 चंडीगढ़ ऑफिस के एजीएम सुकांता जेना खुद रखता था। 39 स्थानों पर सीबीआई ने की छापेमारी, 1.03 करोड़ बरामद। सीबीआई ने एफसीआई में भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में 39 स्थानों पर छापेमारी की और लगभग 1.03 करोड़ रुपए बरामद किए। जांच एजेंसी ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आरोपितों के परिसरों की तलाशी ली है। 3 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट के दस्तावेज भी बरामद किए गए। कई संपत्तियों के दस्तावेज भी एजेंसी ने बरामद किए हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।